हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही एक टेस्टी सी हेल्दी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाएगी। तो वीडियो छोटी सी है फ्रेंड, पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं छोटे वाले टमाटर ली हूँ, आप कोई सा भी साइज का टमाटर ले सकते हैं। इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ और इसे मैं बनाऊंगी गुड़ से। यहाँ पर आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो चलिए, पहले मैं इसे इसका ऊपर का जो जड़ का पार्ट है वो मैं हटा देती हूँ और इसे मैं कर लेती हूँ कट। इस तरीके से हमें, मतलब ये मेरा छोटा छोटा टमाटर है ना फ्रेंड्स, तो इसे मैं चार भागों में कट कर रही हूँ। आपको अगर बड़े बड़े टमाटर हैं तो आप इसे पाँच छः पीस में कट कर लें। देखिए इस तरीके से। तो फटाफट से मैं सभी टमाटर को कट कर लेती हूँ। और इस विंटर सीजन आप जरूर ट्राई आउट करिएगा, जरूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी बनती है। और जिस तरीके से मैं बनाई हूँ ना, वो तो एकदम परफेक्ट ही हेल्दी है। तो और इसे तो और गुड़ के साथ बनाई हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा और पंच फोड़न ली हूँ, दो साबुत मिर्च ली हूँ लाल वाली और दो तेज पत्ता ली हूँ। इसे अच्छे से तड़कने देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं तेल सरसों का ली हूँ, आप चाहे तो यहाँ कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैं इसे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो चलिए, मैं यहाँ पर डाल दी हूँ टमाटर को और अच्छे से इसे एक बार मिला लेते हैं तेल के साथ फ्रेंड्स। यहाँ पर ना कम ही आंच पर हमें टमाटर को क्यों गलाना है, तो यहाँ पर गलाने के लिए मैं डाली हूँ नमक। नमक से ना जल्दी गल जाएंगे, मगर मैं थोड़ा ही नमक का इस्तेमाल की हूँ क्योंकि इसे मैं गुड़ के साथ बनाई हूँ, तो टमाटर भी छोटे वाले हैं तो थोड़े खट्टे मीठे और थोड़ा सा नमकीन लगेगा तो अच्छा लगेगा टमाटर की चटनी। तो देखिए ये टमाटर, देखिए पर एकदम कैसे एकदम घुल गई है, गल गई है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गुड़ को। तो गुड़ के डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, हमारे तरफ इसे गरी बोलते हैं फ्रेंड्स, सूखा नारियल है ये। तो इसे मैं इस तरीके से कट करके डाल दी हूँ। आप चाहे तो और भी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं ड्राई फ्रूट डाली हूँ। हमारे तरफ इसी तरीके से बनती है और एकदम हलवाई स्टाइल परफेक्ट, इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं घर पर, बहुत ही और झटपट एकदम बन जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा इसको कलर के लिए मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाली हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखिए, नहीं तो फिर आप लोग अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो चलिए ये घुल गई है अच्छे से, इसे मैं 2 मिनट के लिए और कुक करूँगी, उसके बाद ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जो अभी थोड़ा सा इसमें ना पानी है, इसे थोड़ा सा मैं पानी सुखा दूंगी तब इसे मैं सर्व करूँगी। तो चलिए हमारी चटनी देखिए एकदम बनकर रेडी है टमाटर की। फ्रेंड्स आप हमारे साथ ना कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप इस तरीके से टमाटर की चटनी खाए हैं या नहीं, और मेरी ये टमाटर की चटनी आपको पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी और बच्चे बड़ों सभी को पसंद आएगी ये हेल्दी और गुड़ वाली चटनी जो टमाटर की बनी है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।